देहरादून में एसएसपी एसटीएफ ने बताया कि गोपनीय सूचना प्राप्त हुई कि कुछ व्यक्तियों द्वारा लोक सेवा आयोग द्वारा विगत 8 जनवरी 2023 को आयोजित लेखपाल पटवारी परीक्षा का प्रश्न पत्र परीक्षा से पूर्व लीक कर कतिपय अभ्यर्थियों को उपलब्ध कराया गया। उक्त सूचना की पुष्टि हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसटीएफ श्री आयुष अग्रवाल द्वारा विस्तृत जाँच की गयी एवं जाँच में आरोपियों की पुष्टि होने पर उनके द्वारा दिनांक 12 जनवरी 2023 जनपद हरिद्वार के थाना कनखल में धारा 409, 420, 467, 468, 471, 120B उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सार्वजनिक परीक्षा निवारण अधिनियम 1958 पंजीकृत कराया गया। उक्त विवेचना में कार्यवाही करते हुए एसटीएफ द्वारा अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। पूर्व में यूके ट्रिपल एससी में भर्ती से संबंधित कुछ अनियमितताएं सामने आई थी, उसके परिप्रेक्ष्य में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा जितने भी परीक्षा माफिया हैं जो पेपर लीक कराते हैं उन लोगों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने का निर्देश दिया गया था। इसमें माननीय डीजीपी महोदय द्वारा भी एसटीएफ को भी निर्देशित किया गया था कि जो भी परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं उस संबंध में सूचना संकलन किया जाए, अगर किसी प्रकार की अनियमितता की बात सामने आती है उस पर कार्यवाही की जाए। तो इसमें हमें गोपनीय रूप से सूचना प्राप्त हुई थी कि जो विगत 8 जनवरी को लोक सेवा उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा लेखपाल और पटवारी के पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी उसका प्रश्न पत्र कुछ अभ्यर्थियों को पूर्व में ही उपलब्ध कराया गया था। तो उस सूचना पर एसटीएफ की टीम ने जांच करते हुए जब विस्तृत जांच की तो उसमें सामने आया कि जो यूके पीएससी के एक सदस्य द्वारा एक एम्प्लॉय द्वारा अनुभाग अधिकारी हैं उसके द्वारा वहां से प्रश्न पत्र को चुरा कर फोटो खींच कर बाहरी व्यक्तियों को जिनके नाम राजपाल और संजीव कुमार हैं उनको उपलब्ध कराया गया और उनके माध्यम से अन्य अभ्यर्थियों को ये प्रश्न पत्र परीक्षा से पूर्व ही पढ़ा दिया गया था। लगभग अभी तक की विवेचना में 35 अभ्यर्थियों का परीक्षा से पूर्व ही ये प्रश्न पत्र प्राप्त किया जाना प्रकाश में आया है।